दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड नहीं होता है, ओनली आपके में पेंडिंग बताता है, डाउनलोडिंग पेंडिंग आपके में बताता है, तो यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और आपका बहुत तेज में डेटा चलने वाला है, मतलब इतनी तेज़ चलेगा कि बहुत जल्दी डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर मैंने फेसबुक का एग्जांपल नहीं, आप कोई भी गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर किसी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बहुत ऐसे तरीके बता दूंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने ही मोबाइल में। कोई भी कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल से मैं जो स्टेप बताता हूँ आप करते जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोस्तों मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, जैसे इंस्टॉल पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये पेंडिंग लगा दिया, ये बस पेंडिंग होता रहेगा, डाउनलोड नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ पर कई रीज़न हैं जिसकी वजह से ये डाउनलोड नहीं होता है। सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहला आप अपने फ़ोन की स्टोरेज चेक कर लीजिए कि आपका फ़ोन की स्टोरेज फुल तो नहीं हो गया है। उसके बाद में चलिए आपको बताते हैं, आपके में डेटा तो नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन डेटा नहीं ख़त्म हुआ है फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा, तो ये भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व होने वाली है। देखो एक एग्जांपल बता दूँ, हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात है, चलिए आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है, ये काट देते हैं और अभी आएंगे हम डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ पर जाना है आपको, और दोस्तों आपको यहाँ पर एक और बात बता दें कि आपका यहाँ पर फ़ोन की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर ये सेटिंग करने पर आपकी फ़ोन की स्पीड तेज़ हो जाएगी और डाउनलोडिंग भी तेज़ हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ोन में फ़र्क पड़ता है। दोस्तों चीज़ यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको अपनी सेटिंग में जाना है या फिर सर्च बॉक्स में लिखना है ऐप्स AWPS लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐप्स या एप्लीकेशन मैनेजर, किसी किसी फ़ोन में एप्लीकेशन मैनेजर लिखा है, ठीक है, तो मेरे में ऐप्स लिखा होगा, ठीक है, तो मैं ऐप्स लिखता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मेरे ऐप्स आ जाएंगे, ऐप्स का आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है सिंपल से, और या फिर आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे में ऐप्स, ये देखिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, किसी किसी में एप्लीकेशन लिखा होगा, किसी किसी में एप्लीकेशन मैनेजर लिखा होगा, तो वहाँ पर जाना है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये सारे ऐप दिख जाएंगे जितने आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर जाना है, आपको प्ले स्टोर यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पर दोस्तों गूगल प्ले स्टोर है, तो इस पर सिंपल से क्लिक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने बताया कि मैंने अपनी मेमोरी का क्लियर डाटा किया लेकिन वहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, डाउनलोड नहीं हो रहा, फिर भी यहाँ पर दोस्तों मैं एक ऐसे तरीके बताऊँगा जो आपको डाउनलोड होगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपने अगर नहीं किया है तो यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, स्टोरेज पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर लिखा है क्लियर डाटा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए, ठीक है, अभी हो गया डिलीट। यहाँ पर आपको हो सकता है बाहर ही कहीं पर लिखा हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप वापस आना है, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में नहीं जाना है, आपको एक और काम करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगा गूगल प्ले सर्विस, तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है यहाँ पर, गूगल प्ले सर्विस को हमें यहाँ पर इसे भी क्लियर करना पड़ जाता है, तभी हमें यहाँ पर हाई स्पीड में देता है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टोरेज में आपको यहाँ पर क्लिक करके आप दिखा दूँ डायरेक्टली, यहाँ पर ये ऑलवेज रनिंग किया करता है, आप इसे यूज करिए, इसे आप न तो डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका क्लियर डाटा कर सकते हैं तभी आपका फ़ोन की जो सारी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्टोरेज पर क्लिक करिए और इसे क्लियर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर का नहीं दिखाएगा, यहाँ पर मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज स्टोरेज पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लियर और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर डाटा हो चुका है पूरे एक तरीके से, देख सकते हैं आप दोस्तों, आपका फ़ोन पूरी तरीके से बन चुका है। अब चलिए हम चेक करते हैं कि मेरे में चल रहा है प्ले स्टोर या नहीं, वापस क्लिक करते हैं। दोस्तों जब आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो काफ़ी आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा लोडिंग लेगा, तो हो सकता है यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन आपका सब कुछ सही हो गया है। अब चलिए आप टेस्ट करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर जैसे ये गेम हो गया, ठीक है, फ्री फायर, इस पर क्लिक करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड होने लगेगा, अभी देख लेना, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं सिंपल से ही, ठीक है, मैंने इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर कुछ वेट
करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज सब चीज़ सही हो रहा है, सब चीज़ सही हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आए, तो यहाँ पर अगर ये इस तरह का इंटरफेस आ रहा है तो आपको डाउनलोड यूजिंग ओनली वाईफाई पर नहीं क्लिक करना है, क्योंकि जब आप वाईफाई क्लिक करेंगे तभी आपको डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर अनटिक कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए, प्रोसेस्ड पर क्लिक कर दीजिए। अरे ठीक है, अगर वाईफाई नहीं कनेक्ट है तो वाईफाई को नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर आप वाईफाई नहीं यूज कर रहे तो यहाँ पर जब आप किसी बड़े एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपका ये इंटरफेस दिख जाता है। तो लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं और सिंपल से नहीं डाउनलोड होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया, सिंपल से इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर थोड़ा टाइम डाउनलोडिंग पेंडिंग लिखता है, थोड़ा टाइम, बस थोड़ा सा। आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ डाउनलोडिंग होने लगा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये डाउनलोड अभी हो जाएगा, देख लीजिए डाउनलोड की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मेरे यहाँ कम स्पीड है, लेकिन बढ़ जाती है अगर आप ये काम करते हैं, और आपके फ़ोन की भी स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि जानते हो दोस्तों, जब किसी फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज हो जाए तो यहाँ पर पूरा फ़ोन को कंट्रोल करता है गूगल। तो गूगल जो प्ले सर्विस है उसे आप अगर क्लियर कर देते हैं तो आपके फ़ोन की स्पीड जो है तेज़ हो जाती है। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। और तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूसरों को लोगों को जानकारी मिल पाए। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।